ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। अब दोस्तों, आपने कई सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि इन्फो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और भी ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के उभरते टैलेंट को देखकर, यानी कि देसी जुगाड़ को देखकर, एक और नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसे अब हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही जुगाड़ू टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज है जिसका सेवन हर कोई करता है, और दूध को पीने के लिए सबसे पहले दूध को लाना पड़ता है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि दूध बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूध वाला दूध देकर जाता है ना। और आपने कई बार देखा ही होगा, दूध वाला दूध बाइक पर देने आता है, और जिसके पास बाइक नहीं होती वो साइकिल पर देने आता है। अब इसके पास कुछ भी नहीं था, तो देखिए इस भाई साहब ने क्या जुगाड़ लगाया और एक ऐसी गाड़ी बना दी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, अब जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही बिजली की खपत भी बढ़ती ही जा रही है, और पिछले ही कुछ दिनों से बिजली हमारे साथ क्या खेल खेल रही है, यानी कि भैया कब आती है और कब जाती है कुछ भी पता ही नहीं चलता। और बिजली के इसी संकट से निपटने के लिए देखिए इस भाई साहब ने क्या जुगाड़ लगाया है। वाह भाई वाह, क्या जुगाड़ है। अब इस जुगाड़ से भाई की गर्मी दूर हुई कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर हाँ इसी तरह ये पंखा चलाते रहे तो इनके बिजली का बिल जरूर जीरो हो जाएगा। नो 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 नो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, आपने भारत की ट्रेनों के चर्चे सुने हो या ना सुने हो, लेकिन आपने ये चर्चा तो जरूर सुना होगा कि ट्रेन कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचती, और कभी कभी पूरी रात स्टेशन पर गुजारनी भी पड़ जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इन भाई साहब ने ये जुगाड़ लगा दिया। अब जरा आप भी देखिए, अब यार ट्रेन टाइम पर आए या ना आए, लेकिन भाई नींद तो टाइम पर आती है ना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अब दोस्तों, सामान को इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए खाली डब्बे को फेंकने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाइयों मार्केट में अब डब्बों की ऐसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब जरा ये देखिए, अब इन डब्बों का इस्तेमाल चार्जर के रूप में भी किया जाने लगा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, ऐसे जुगाड़ तो बहुत देखने को मिलेंगे, अभी वीडियो बाकी है। भाइयों, सिलेंडर के दाम रोजाना धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, इसे आप तो बखूबी जानते ही होंगे, और अब इसका असर भारत की रसोइयों में भी दिखने लगा है। अब दोस्तों, आप मुझे बताओ कि प्रेस का काम कपड़ों को प्रेस करने के अलावा क्या काम होता है, मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक काम अब मैं आपको बताता हूँ, प्रेस का प्रयोग कपड़े प्रेस करने के लिए तो बिल्कुल ही होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है। अरे भाई, प्रेस से रोटी बनाई जा रही है, क्या आपने कभी सोचा था? नो 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 नो। भाई बहनों, यह देश बदल रहा है। दोस्तों, आपने फास्ट फूड के होटल्स में एक फैंसी केचप की बोतल तो जरूर देखी ही होगी,
लेकिन भाई अब आप लोग केचप की ये बोतल देखिए और पहचानिए ये क्या चीज है। अब आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो भी मैं बता देता हूँ, अगर आया तो भी देख लो। अब इन भाई साहब ने तो सभी जुगाड़ुओं के सारे जुगाड़ों को फेल करके रख दिया। मतलब यार केचप रखने के लिए बोतल ही नहीं मिली तो इन होटल वालों ने टॉयलेट क्लीनर वाले हार्पिक को ही केचप की बोतल बना डाला। ये भाई साहब सच में बहुत जुगाड़ू हैं। इनके जैसा जुगाड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों अब कोरोना वायरस हल्के हल्के खत्म हो रहा है, ऐसे में बचे हुए मास्क का क्या किया जाए, ये भी एक चुनौती बनती जा रही है। तो दोस्तों अब आपको चिंता करने की तो कोई भी जरूरत नहीं है, इस भाई साहब ने फुल ऑन फाइनल इंतजाम करके रखा है। बस अब आप इस बंदे को देखिए और सीखिए कि अपने बचे हुए मास्क का प्रयोग कैसे और कहां करना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। अब दोस्तों इस जुगाड़ को अपने तक बिल्कुल भी सीमित मत रखना, लोगों को भी इस जुगाड़ के बारे में बताना कि भैया अब हर हर मास्क नहीं घर घर मास्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।